सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह से थैंक यू। फर्स्ट सीजन 1 आया एंड अब चैप्टर 2 की शुरुआत होने वाली थी, होने वाली है, ट्रेलर आ चुका है। सो अनुप्रिया जी, आप बताइए कि कितनी एक्साइटेड हैं, क्योंकि आश्रम 1 की मैं बात करूं, लोगों ने बहुत ही पसंद किया एंड अब आश्रम 2 का ट्रेलर आ चुका है। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जैसे मैं बोला आश्रम 1 को बहुत ही ओवरवेलमिंग सक्सेस मिली थी एंड मैं खुद एज अ व्यूअर आश्रम 2 देखना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है स्टोरी में, इसे उससे दर्शाया गया है, बिकॉज इवन आई हैवन सीन इट एंड आई एम रियली होपिंग दैट द ऑडियंस विल लव इट एंड अप्रिशिएट इट जस्ट एज मच, और उनके रिएक्शंस देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ मैं। और आई थिंक आई एम जस्ट वी आर सो प्राउड ऑफ आश्रम एज अ सीरीज, आई जस्ट वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट द सेकेंड पार्ट टू दी ऑडियंसेज, एंड सब लोग इतनी यू नो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इतने टाइम से, लाइक वो 2 महीना भी अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे 1 साल हो गया है इंतजार करते हुए, बिकॉज इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं और इतनी बार ही हमसे पूछा जा चुका है कि आश्रम 2 कब आ रहा है, कब आ रहा है, कि वी वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट इट टू दी ऑडियंस। एंड ट्रेलर आ गया है, आप बताइए कि ट्रेलर ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा है हम कोई फिल्म देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी ऐसा लग रहा था कि आश्रम पार्ट 1 की बात करूं, ऐसा लग रहा था हम कोई फिल्म, ये किसी फिल्म का ट्रेलर है, एंड नाउ ये भी ऐसा लग रहा है किसी फिल्म का हम ट्रेलर देख रहे हैं, कोई फिल्म ऐसे बड़े पर्दे पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली, ऐसी फीलिंग आ रही है। सो क्या फील, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने जो ट्रेलर देखा तो आई वॉज क्वाइट इंथ्रॉल्ड बाय इट, बिकॉज इतना कुछ हो रहा है ट्रेलर में और स्टोरी में भी बहुत कुछ हो रहा है, बिकॉज काफी सारे पैरेलल ट्रैक्स हैं एंड आई थिंक ये सबसे एक बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट USPs रही है आश्रम की, कि इतने सारे पैरेलल ट्रैक्स के साथ भी हर एक ट्रैक को जस्टिफाई किया गया है। स्टोरी काफी ज्यादा इंटेंस है और काफी कुछ हो रहा होता है एक बार में, लेकिन इट्स क्वाइट यू नो इजी फॉर पीपल टू फॉलो इट ऑल्सो, and they are completely on the edge of the seats while being completely invested in the series. So यही आश्रम chapter 2 के साथ भी होगा, काफी कुछ पता चलेगा लोगों को काशीपुर के बाबा के बारे में, काशीपुर के बारे में, एंड आई थिंक द वे ही इज टर्निंग शेड्स एंड बिकमिंग अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सोना इज गोइंग टू कम शॉक पीपल टू बियॉन्ड बिलीफ। जी, एंड अगर मैं प्रकाश जी की बात करूं, डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ शिप है, पहली बार आप उनके साथ में काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस, जिस तरह से इस तरह से बड़े लेवल पर आ रही है ये सीरीज। प्रकाश सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हैज बीन अ ब्लेसिंग, लाइक लिटरली आई थिंक इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ 2020 फॉर मी। इनफैक्ट 2019 में मैंने उनके साथ काम किया था एंड इट्स द एक्सपीरियंस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ही इज समवन हु आई लुक अप टू, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ सीरीज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, एज अ मेन performance in terms of life lessons, everything, and वो इतने well-read और sensible इंसान हैं जो आपको life की बहुत छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में एक बहुत judgmental तरीके के से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, जी एंड बात करके हरदम एक बहुत ही motivational sort of feeling आती है towards life, towards what all we can do with it and how we can make it better for us and for everyone else around us. So it's been a beautiful experience to just work with sir or to even see him work in reality. अनुप्रिया जी, अगर मैं आपकी बात करूं, सीरीज में आप एक डॉक्टर हैं एंड खोज तलाश में है कि जो भी लेडी है, ये जिसका कंकाल है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी सिस्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। तो चैप्टर 2 में थोड़ा सा अगर आपके बता सके कि कहाँ तक स्टोरी बढ़ेगी, ये क्या कुछ होने वाला है आपके साथ में? चैप्टर 2 में नताशा, जैसे आपने कहा, एक काफी राइटियस लड़की है जो डरती नहीं है, निडर है काफी, और उसका लाइफ में मेन गोल ये है कि वो चीजों की तह तक पहुंचे और जितना हो सके उतना सच के लिए काम करे। इसीलिए वो उजागर और जो यू नो बाकी के साधु के सबके कैरेक्टर्स हैं आसपास, उन सबको मोटिवेट करती है कि वो लोग अपनी जान तोड़
कोशिश करें और सच का यू नो साथ दें एंड देन दे शुड फाइट फॉर द वुमन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ एंड लुक एट हाउ द मर्डर हैपेंड एंड थ्रू दैट मर्डर अ लॉट ऑफ अदर मिस्ट्रीज गेट अनरैवल्ड. इसी तरह अभी उनका इन्वेस्टिगेशन आगे जाता है. नताशाज कैरेक्टर ऑल्सो गेट्स मोर इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन. वो डॉक्टर होने के साथ साथ शी हैज अ वेरी डिटेक्टिव सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी एंड शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड शी काइंड ऑफ नोज हाउ टू यू नो मीएंडर बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग एंड टू काइंड ऑफ मेक हर यू नो सेंस ऑफ जजमेंट वर्क इन इंटेंस सिचुएशंस ऑल्सो. सो she is always on her feet and she knows how to handle herself in different situations and also the characters around her. She kind of you know creates the ground for them of jahan ujagar is like the manpower and he is the one kind of forging ahead and fighting for things. I think Natasha is sort of someone who helps him and supports him totally and kind of guides him also and is working with him every step of the way. And in this like second part, she kind of gets more and more involved with the investigation equally. जी and Anupriya जी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की थी हम जब आपके घर आए थे तो आज भी ये चीज जानना चाहूंगा हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे जगह है बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बाबा हैं. स्पिरिचुअल होना एक अलग बात है स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना लेकिन जिस तरह से काशीपुर वाले बाबा हैं लोग अंधविश्वास होकर उनकी शरण में जाते हैं और जैसा कि कहीं ना कहीं वो गलत काम भी करते हैं. तो हमारे इंडिया में भी अभी इस तरह से आए दिन ऐसे कोई ना कोई इंसिडेंट सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने इन इस तरह के बाबा को पकड़ा उन्हें जेल में डाला. ऐसे लोग अभी भी हमारे बीच में तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे अनुप्रिया जी? मैं ऐसे लोगों को कुछ नहीं कह के जो लोग उन्हें इस तरह से एम्पावर करते हैं उनसे कहना चाहूंगी कि श्रद्धा करना अच्छी बात है. यू नो आस्था रखना या स्पिरिचुअल होना जैसे आपने कहा अच्छी बात है. वो हमारे लिए जरूरी भी है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आवर ट्रू सेल्व्स एंड यू नो मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम कीपिंग you know a tab on your sensibilities and kya sahi ho raha hai kya galat ho raha hai aapke liye kya acha hai bura hai ye janna aur uske liye satark rehna bahut important hai. kisi bhi human being ko aap agar zarurat se zyada power de denge apne upar to finally that person is a human being that person is not god. kahin na kahin unki fitrat badal sakti hai. तो ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है खुद एज बिलीवर हम अपने पे भी उतना ही बिलीव करें जितना हम किसी और पे करते हैं और अपने काम पे अपने श्रम पे भी उतना ही बिलीव करें. जब आप शॉर्टकट्स ढूंढना चाहते हैं जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डाल देना चाहते हैं कि हाँ वो हमें गाइड करेंगे वो हमें लेके जाएंगे वो हमें आगे की रास्ता दिखाएंगे आई थिंक वहां गलती हो जाती है. और उसमें करते करते इस तरह के काफी सारे लोग होते हैं जो आपके अंधविश्वास का और आपके भोलेपन का फायदा उठाने लग जाते हैं और साथ ही साथ डर का फायदा उठाते हैं. इट्स नॉट जस्ट यू नो इनोसेंस इट्स आल्सो योर फियर ऑफ लूजिंग समथिंग और ऑफ नॉट गेटिंग कॉम्पेंसेटेड. आप किसी बाबा के पास जाते हैं आपको लगता है आपकी सारी मुसीबतें वो हटा देंगे वो आपको सब कुछ दे देंगे जो आप चाहते हैं उस वांट के साथ. अगर आप सच में स्पिरिचुअलिटी ढूंढेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल और उस आप में एक अलग तरह की स्ट्रेंथ देगा. स्पिरिचुअलिटी आई डोंट थिंक कैन एवर टेक अवे योर सेंसिबिलिटीज ऑफ डिसाइडिंग व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग फील. इट विल ऑलवेज मेक यू मोर स्ट्रांग विद इन यू नो. तो किस रीजन से आप स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं वो भी मेरे ख्याल से देखना बहुत जरूरी है टू नो इट योरसेल्फ. एंड अनुप्रिया जी आपने तो ढेरों सारे फिल्में भी की हैं. आपसे जानना चाहूंगा जिस तरह से लोग इस सीरीज आने के बाद लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आपको पता भी है कि जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहां पर निगेटिविटी भी होती है. लोग कह रहे हैं कि प्रकाश झा जी को आश्रम को लेकर आ रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं प्रकाश झा जी को सॉरी मांगना चाहिए और कुछ एक सीन्स कट करने चाहिए हमारे
जो समाज में जो इस तरह से बाबा है उनका नाम खराब कर रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप इन सारी चीजों को लेकर, कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर? जी बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू से कि सीरीज आने दें, उसे प्लीज देखें पहले और फिर एक अपनी धारणा बनाएं। हमने आश्रम और खासकर प्रकाश सर ने एमएक्स में बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबली एक सेंसिटिव टॉपिक पे हमने काम किया है, और काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी स्टडी के बाद ये स्टोरी लाइन बनाई गई है और उसे दर्शाया गया है, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे ऑफकोर्स प्रकाश सर एज ए डायरेक्टर, द सिनेमेटोग्राफर्स, एंटायर क्रू, एमएक्स एज ए स्टूडियो, एवरी वन वॉज कमिटेड टू मेकिंग समथिंग विच इज़ unbiased, which is not hurting anyone's sentiments or emotions, or it is not making a judgment on any one sector or religion. It's not that. It's not talking about a god man person. It's talking about a person who is vicious, or jo apni power aur logon ki jo trust hai uske taraf uska galat istemal kar raha hai, so it's talking about a certain kind of certain kind of people who exist, and कैसे as a society हम उसे उन्हें इतना सारा freedom और इतना उनको power दे देते हैं अपने ऊपर कि वो हमारा इस्तेमाल कर पाते हैं या हमारे आसपास के लोगों का इस्तेमाल कर, हम एक अंधविश्वास में फंस जाते हैं, हम blind faith के फंस जाते हैं, and उस पे बात हो रही है इस series में. It's definitely not to hurt anyone's sentiment at all. The moment people will see the series, it happened in the first season also, there were a lot of speculations. And the moment people saw the series, all those speculations were put to rest and they appreciated it and loved it so much. I think the same is going to happen with the second part also. Aap jab dekhenge, jo intention ki purity samajh mein aayegi. और जिस बात पे चर्चा हो रही है, मेरे ख्याल से ये चर्चा होना बहुत जरूरी भी है हमारे सोसाइटी में. ये खाली मिरर कर रहा है विद ऑल द रॉन्ग डूइंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस. ओके अनुप्रिया जी, टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप भी समझ रही है, और भी ढेरों सारे इंटरव्यू है, बस जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया आश्रम चैप्टर वन को एंड चैप्टर टू आ चुका है, सो अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जरूर, थैंक यू सो मच जपनाम फॉर अप्रिशिएटिंग आश्रम वन एंड उसको इतना सारा प्यार देने के लिए. वी आर बिकॉज ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग डॉक्टर नताशाज कैरेक्टर. आई होप कि हम सेकेंड पार्ट में भी आपको उतना ही एंटरटेन कर सकें, आपको उतना ही ज़्यादा इंथ्रॉल कर सकें, एंड दिस इज गोइंग टू गेट मच मोर इंटेंस एंड वेरी थ्रिलिंग. सो प्लीज़ कीप योर डेट विद अस ऑन द 11th ऑफ नवंबर जब आश्रम टू आपके लिए खुलेगा एंड जप नाम. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए अनुप्रिया जी, जप नाम.